हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमने बनाई है करी चावल, करी पकौड़े एंड चावल एक्चुअली, जो कि पंजाबियों में बड़ी ही फेमस है। दूसरे लोग भी खाते हैं नॉर्थ के साइड के, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में इतनी नहीं बनाई जाती है, हार्डली मिलती है। इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटेड हूँ इस डिश के साथ। एंड प्लस रेसिपी नीचे है डिस्क्रिप्शन में, बिकॉज मैंने ऑलरेडी ये रेसिपी बनाई हुई है, मेरे पहले सब्सक्राइबर्स को पता होगा। तो जस्ट मैंने एक सिंपल चेंज किया है कि आज मैंने करी पत्ता भी डाला है, जो कि मैंने बहुत सारी डिशेज में देखा है, लेकिन दैट डिड नॉट मेक सच अ ह्यूज डिफरेंस। सो फॉर मी पहले जैसा हुआ था, अभी भी वैसी ही हुई है, विच इज़ परफेक्ट। एनीवेज गाइस, मैंने लाइफ में कभी भी दूसरे के हाथ की कड़ी चावल नहीं खाई है, सिर्फ मेरी खाई है। सो आई रियली वॉन्ट टू हैव वंस, अगर कभी भी यू नो मुझे वीगन कड़ी चावल मिले तो मैं ज़रूर ट्राई करना चाहूँगी। तब तक मेरे खुद के हाथों की खाते हैं। साथ में है ऑब्वियसली हम लोग की छोटी सी एक ट्रे में, बॉल में सैलड एंड अनियंस, एंड साथ में है पापड़। सो देने करते हैं एंड लेट्स डिग इन। और आज मैंने ये चिली लिया है बिकॉज दिस कॉम्प्लीमेंट्स गुड विद दिस वन। दिखने में कैसी लग रही है प्लीज़ बोलना, खाने में तो आप लोग को पता नहीं होगा, लेकिन दिखने में प्लीज़ 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 बोलना। जीरा राइस है ये, बहुत ज़्यादा टेस्टी। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देख के भी समझ नहीं आएगा कि ये कैसी लगती है खाने में, बिकॉज़ हम लोग के यहाँ पे ऐसी कोई डिश है ही नहीं। लाइक दही के साथ हम लोग बहुत कम यू नो डिशेस तैयार करते हैं। शायद असम में एक दो होगी, पर दूसरे नॉर्थ ईस्ट में आई हार्डली नो एनीथिंग विच इज़ मेड फ्रॉम दही एक्सेप्ट डिज़र्ट। लेकिन ट्रस्ट मी गाइज, पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लाइक दिख सकती है कि बहुत यू नो दही है तो रिच होगी, लेकिन ऐसी बिल्कुल नहीं है। एंड ये ज़्यादातर गर्मियों में ही खाई जाती है, बिकॉज दही इज़ मेंट टू कूल योर बॉडी। सो एक बार आप लोग ट्राई कर सकते हो सके तो वीगन दही के साथ करना, बिकॉज रियली इट्स यमी।
ये है असली कड़ी पकौड़े जो पूरे यू नो इंडल्ज हो जाते हैं। ये तो मैंने स्टाइल के लिए रखे थे ऊपर। देख के मजा लगता है। क्रीमी। आपको कौन से वाले ज़्यादा पसंद आए? ये वाले मतलब आते हैं जनरली या ये वाले? अच्छा हमेशा बाइक स्टार्ट होनी है। अच्छा जो रेसिपी है वो आराम से 8 लोगों के लिए आ जाएगी। अगर आपको इतना बड़ा बैच में नहीं बनाना है तो जस्ट क्वार्टर एवरीथिंग। बिकॉज लास्ट टाइम बना के द आफ्टर मैथ वॉज आई वॉज सर्चिंग फॉर पीपल। इधर फ़ोन करती हूँ उधर फ़ोन करती हूँ, कढ़ी चावल चाहिए आज, कढ़ी चावल बनी है। और किसी को कढ़ी चावल का यू नो वो नहीं मालूम ना, टेस्ट नहीं मालूम, तो एवरीबडी इज़ लाइक कि हाँ दे सकता है लेकिन क्या है। I loved it. I always love it.
मेरे माइक पे कड़ी लग चुकी है। इस वीक को मैंने बहुत ही अच्छा अच्छा चीज़ें खाई है, लाइक राजमा हो गया, करी हो गया, मैगी, मेन बट डेली आई विल मेक इट श्योर कि मैं ग्रीन्स खाऊं। एंड इट्स बीन अ हैबिट नाउ। मैं अगर नहीं खाती हूँ, कभी कभार नहीं भी खाती हूँ, लेकिन अगर मैं कभी कभी नहीं खाती हूँ तो मुझे ऐसा एक गिल्ट फील होता है कि मैंने यू नो कुछ मिस कर दिया है, कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं गए मेरे बॉडी में, एंड यू नो वो बहुत ही इनकम्प्लीट लगता है। बट या सम डेज आई डोंट यूज टू हैव ऑल्सो, मेरे पास कभी कभी नहीं होता है स्टॉक में, बट मोस्टली आई विल मेक इट श्योर कि मैं खा रही हूँ। By the way, how is my hair? Oh, एक चिली और एक प्याज रह गया, मैंने देखा ही नहीं बिकॉज ये कवर्ड है ना। I'm so sorry, you guys. आई होप कि आप लोगों का वीकेंड अच्छा जाए। एंड आई एम सॉरी अगर कोई यहाँ तक देख रहा है तो कि मैं सिर्फ पापड़ और यू नो सैलड खा रही हूँ लास्ट में, लाइक आई नो इट्स बोरिंग, तो क्या करूँ, मिर्ची खा दूँ, प्याज खा दूँ, ओके फाइन। I like to clean everything. I don't know. Like, मुझे पहले से ही ऐसा you know habit है कि मेरी प्लेट साफ होनी चाहिए और उसमें कुछ भी नहीं रहना चाहिए, and that I think so came from my grandpa because even he never left his plate you know undone. He's always like this. जो कि बहुत लोग बोलते हैं कि अच्छी बात नहीं है, थोड़ा यू नो रहना चाहिए एक दो यू नो चीटे, पर हिज प्लेट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी लाइक क्लीनेस्ट, यू डोंट इवन हैव टू वॉश इट, सो आई थिंक सो दैट केम फ्रॉम देयर। अनजाने में बहुत कुछ आता है यार हम लोग के जीन्स से। लोग खा लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। Perfect. Perfect.
अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, थैंक यू सो मच. इट मीन्स अ लॉट. इट मीन्स अ लॉट बिकॉज बहुत लोग यहाँ तक नहीं देखते हैं. एंड जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं, आई नो दे यू नो वॉन्ट टू सी मी समवेयर. दे केयर फॉर मी, क्योंकि उनको लगता है कि मैं उन लोग जितना ज़्यादा देखते हैं उतना मुझे पैसा मिलेगा या वट एवर. सो थैंक यू सो मच गाइज. ऑल्सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, बिकॉज दैट विल हेल्प मी यू नो रीच एंड ग्रो. एंड यू नो फ्री का है, कर दो भाई बहन, यू नो बेटा बेटी जो भी है. थैंक यू सो मच गाइज, आई रियली एन्जॉयड. और एक बार यू नो लाइफ में वीगन दही के साथ भी ट्राई करना, बहुत अच्छा है, एकदम लेस कैलोरीज है, खाओ एन्जॉय करो. ठीक है गाइज, सी यू मंडे, बाय बाय. कड़ी पकौड़े या तो फिर पकौड़े की कड़ी साथ में है, मैंने साथ में है